दोस्तों आप में से कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफी का परीक्षा को देकर के थोड़ा सा घबरा गया है। वो सोच रहा है कि सर हिस्ट्री का भी परीक्षा जो वो हार्ड होगा और ज्योग्राफी में जो है एग्जाम अच्छा नहीं गया तो हिस्ट्री में क्या होगा। देखिए अभी घबराना नहीं है, घबराने से दोस्तों कहना कि आपको घाटा ही है, फायदा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आप लोग अभी घबरा जाएंगे दोस्तों तो आपको क्या होगा, एक प्रकार का दिमाग में दोस्तों प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर जो थोड़ा सा पढ़ने का आपके पास टाइम है वो भी टाइम जो है आपका गुजर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे आपका बीता हुआ यानी कि पास्ट जैसा भी था, बिल्कुल जैसा भी था, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों जो आपका फ्यूचर है उसके बारे में अच्छे से सोचना। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को डाउट होगा कि सर हिस्ट्री का परीक्षा कैसा होगा, किस तरह का प्रश्न आएगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। जी हाँ, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल तो हो ही रहा है, उसके साथ ही दोस्तों ये प्रश्न जो है कई अनुभवी शिक्षकों के द्वारा गेस किया हुआ है, यानी कि 4 फरवरी को आप लोगों का जो हिस्ट्री का परीक्षा होगा सभी प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो प्लीज मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ये सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा, तो प्लीज आप लोग ईमानदारी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो भी प्रश्न नहीं मिलेगा उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और क्वेश्चन में दोस्तों जैसे आपको प्रश्न मिलेगा एग्जाम हॉल पे आप सीधे सीधे आंसर को लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए संविधान सभा का किसे चुना गया, बिल्कुल हम लोग दोस्तों जानते हैं राजेंद्र प्रसाद को। राइट सर, आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के सबसे पहले क्या थे बताइएगा, बिल्कुल दोस्तों प्रेसिडेंट थे, यानी कि बिल्कुल राष्ट्रपति थे। चलिए बहुत बढ़िया, राइट सर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। और भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या थे, वो दोस्तों प्रारूप समिति थे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की किस तिथि को लागू किया गया था बताइएगा फटाफट। भारतीय संविधान को किस तिथि को लागू किया, बिल्कुल हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, आज ही के दिन हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, सॉरी बना चुके हैं। तो राइट सर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न आपके फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे, ये सभी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो हम लोग जानते हैं बताएंगे कौन से अधिवेशन में, बिल्कुल आपके राइट आएंगे दोस्तों वो है बंबई अधिवेशन में। तो ऑप्शन भी आपके थर्ड के बिल्कुल करेक्ट दोस्तों रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था, तो राइट सर आपके यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। किसने किया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने। देखिए अगला प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या जो कि नाथुराम गौड़से ने किया था, 3 गोली मारी गई थी, ठीक है, कब की गई थी, बिल्कुल 30 जनवरी 1948 को। तो राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति की अगर बात हो रही है तो डायरेक्ट आपको राइट आंसर लगा देना है, वो है भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन डी जो आपके बिल्कुल राइट रहेंगे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो भीमराव अंबेडकर थे, वहीं पर राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, आज जो है एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, फटाफट आप लोग सिर्फ आंसर देते हुए चलिए। और इस वीडियो को प्लीज आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, कम से कम एक एक स्टूडेंट जो है कम से कम 10-15 अपने सारे साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि उसकी भी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 7, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कब हुई थी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है 1206 में, यानी कि ऑप्शन ए। और मात्र 4 साल, मात्र 4 साल शासन किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि 1210 में जो है क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और मात्र वो 4 साल ही शासन कर पाया था। देखिए अगला प्रश्न नंबर 8, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था। आपको पता है सबसे पहला जो मुगल साम्राज्य के राजा है वो कौन है, बाबर है, उसके बाद कौन आया था, हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं जो है वो 2 बार राजा बना था, एक बार हार गया था कब, 1540 में। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को हरा दिया था। राइट सर आपके 8 के बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 9, काफी बड़े प्रश्न आपका, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल आप याद रखेंगे दोस्तों वो है यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ताजमहल जिसे शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल जो कि 7वां अजूबा है दुनिया का। ठीक है, और यमुना नदी सबसे गंदा कहां पर है, बिल्कुल दिल्ली में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 10, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था। चंदेरी, खानवा, घाघरा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल दोस्तों 10 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे घाघरा युद्ध में। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, इसी तरीके से आप लोग को मेरे साथ साथ आंसर देना है। क्या बात है, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए जरासंघ का संबंध किस वंश से था, जरासंघ का जो संबंध है वो कौन से वंश से था, बिल्कुल राइट से दोस्तों आपको जाएंगे वो है बृहद्रथ वंश, ऑप्शन आपके बी जो है 11 के करेक्ट आंसर आएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 12, अंगूर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। 2021 का रोल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का, जैन का, ब्राह्मण का, सिख का। बिल्कुल 12 के दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो है बौद्ध धर्म का। ध्यान रखिएगा अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 13, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था पूछा गया प्रश्न है। हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, नेपाल में लुम्बिनी में, लेकिन बताइए महावीर का जन्म कहां हुआ था दोस्तों। बिल्कुल 13 के आपके यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वह कुंडलवन वैशाली में, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। और बचपन का नाम महावीर का क्या था, वर्धमान। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न नंबर 14, गेट ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि गेट ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 1911 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है इंडो सांसिक शैली का उदाहरण है। तो राइट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1911 में।
कहां पर है दोस्तों? बंबई में, ठीक है। दूसरी अगला प्रश्न आपका फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, बताइएगा। फोर्ट विलियम के बारे में पूछा गया प्रश्न, मैंने आपको पहले भी करवाया, देखिए 2019 में, 20 में, हाल ही में लगातार पूछा गया, हो सकता है 2022 में भी आपको सेम टू सेम यही प्रश्न पूछ दे। बिल्कुल दोस्तों 15 के आंसर आपको देंगे, वो है कोलकाता में, ठीक है। तो फोर्ट विलियम जो है किस शहर में, वो है कोलकाता में। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल 1600 ईस्वी में हुई थी, राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। और फैक्ट्री की स्थापना सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था, वो कहां पर किया था, सूरत में किया था, कब किया था, 1608 में। देखिए अगला प्रश्न को समझ सकते, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है, हमने ये भी प्रश्न आपको कई बार करवाया दोस्तों, ये जो है फतेहपुर में, ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर में, राइट सर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। हम लोगों के पास समय बहुत कम है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके सभी को फटाफट कंप्लीट करते हैं। प्लीज इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा, इतना आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, ये आपका कर्तव्य है। चलिए, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कई बार हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया, बिल्कुल शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का जो जामा मस्जिद है दोस्तों उसका निर्माण हुआ था। देखिए अगला प्रश्न आपके 19, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1509 में, 10 में, 12 में, 15 में, ये भी प्रश्न देखिए आपको पूछा गया प्रश्न, बोल बोल प्रश्न आपका, ठीक है। बिल्कुल 19 के दोस्तों आपको जाएंगे 1510 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1510 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न 20, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। आज के वीडियो दोस्तों काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक सभी का आंसर फटाफट दीजिए। देखिए, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था, कर्जन ने, रिपन ने, सोले ने, या फिर एलिफिस्टन ने। बिल्कुल 20 के दोस्तों यहां पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके सोले ने, ऑप्शन सी आपके 20 के बिल्कुल राइट रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 21, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके जो लेखक है वो कौन थे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके जो लेखक राइटर है कौन थे। बिल्कुल 21 के दोस्तों राइटर आपके हो जाएंगे वह दादा भाई नौरोजी जी, ऑप्शन सी आपके राइट रहेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 22, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था, भाई बहुत बार ये प्रश्न मैंने आपको करवाया है। बिल्कुल दोस्तों 22 के राइट आपको जाएंगे वह काशी में, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था, बिल्कुल काशी में। देखिए अगला प्रश्न 23, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, 2020 का रॉयल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, डिजराइली, रॉबर्ट पील, पाम्पटन, या फिर गलेडस्टोन। बिल्कुल 23 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है पाम्पटन, ठीक है। तो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे, पाम्पटन थे। देखिए अगला प्रश्न 24, दामिन ई को क्या है, दामिन ई को ये क्या है, वो वाघ है, उपाधि है, तलवार है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको जो हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाया था वहां पर देखिए प्रश्न मैंने आपको करवाया था, ठीक है। और देखिए कई बार पूछा गया, बिल्कुल आपके आंसर क्या हो जाएंगे वो है भूभाग, ठीक है। तो 24 के आंसर आपको ये हो जाएंगे, दामिन ई को जो है वो भूभाग है। देखिए अगला प्रश्न 25, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो क्या था, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष का दोस्तों मुख्य कारण था वो क्या था। 25 के बिल्कुल यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, तो 25 के बिल्कुल आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 26, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, कितना आसान प्रश्न आपका, बिल्कुल आंसर देंगे वो है बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 27, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, ये जो पीडीएफ है दोस्तों आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आपको क्या करना है, या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप सिंपली गूगल या फिर क्रोम पे सर्च कीजिए तनु क्लासेस, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इधर उधर घूम फिर करके आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको वहां पर खोजना पड़ेगा। चलिए, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, 27 नंबर क्वेश्चन काफी बड़े, बिल्कुल आपको जाएंगे वो 1875 में, ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न 28, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सभा से। बिल्कुल 28 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है कादरी से, ठीक है। तो राजकुमार दारा का जो संबंध है वो कौन से सिलसिले से था, बिल्कुल कादरी से, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न 29, त्रिपिटक का आचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया, बताइएगा। 29 का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों वो है राहुल सांकेतायन, ऑप्शन सी, इसी को जो है त्रिपिटक का आचार्य का एक प्रकार का इनकी विद्वान लेखक को कहा गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 30, बादशाहनामा, अच्छा ये बादशाहनामा होगा, ठीक है, इसके लेखक कौन है, बादशाहनामा के लेखक कौन है, कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया, लाहौरी, आप लोग जानते हैं लाहौरी, जी हां, 30 के राइट आंसर आपको देंगे अब्दुल हमीद लाहौरी, कभी कभी आपको ऑप्शन में लाहौरी दे देगा, ठीक है। लाहौरी जो है वो क्या थे, अबुल फजल के शिष्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 30 के ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये जो है बादशाहनामा के लेखक है। और आपको पूछा जाएगा अकबरनामा, आईनी अकबरी, ये सभी के लेखक कौन है, बिल्कुल आपके अबुल फजल है। वहीं पर अगर एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, आपको पता होगा हुमायूं नामा के लेखक कौन है दोस्तों, वो है गुलबदन बेगम, ठीक है। बाकी जागीरनामा होगा जिसको हम लोग तुजू के जागरी बोलते हैं, उसके लेखक खुद जागीर है, और बाबरनामा के लेखक भी जो है खुद बाबर है। चलिए, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था, बिल्कुल 31 के राइट आपको देंगे वो है बैंटी के काल में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था, सम्राट का, जागीरदार का, जमींदार का, किसान का, 32 का बिल्कुल सही आंसर देंगे आप लोग, बिल्कुल सम्राट का। तो अकबर के समय खालसा भूमि पर दोस्तों सम्राट का क्या था, अधिकार था। देखिए अगला प्रश्न 33, 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था, बताइएगा। खालसा यानी जो वहां पर जो भूभाग था दोस्तों उसका देखभाल करने के लिए, पैदाजी करने के लिए अकबर ने किसे नियुक्त किया था 1563 में। आपको पता है 1563 में उसने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, और जज्जिया कर को कब समाप्त किया था, 1564 में, ध्यान रखिएगा। और 1563 में वो किसको नियुक्त किया था, बिल्कुल 33 का दोस्तों यहां पर जो राइट हो जाएंगे वो है आपके एतमाद खां, ठीक है, उस पर एतमाद करता था, इसलिए उसका नाम एतमाद खां पड़ गया। देखिए अगला प्रश्न 34, मुगल काल के दौरान प्रचलित लिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से, बटाई, जरीब, कनकुल, जप्ती। बिल्कुल 34 के दोस्तों राइट यहां पर जो हो जाएगा, क्या बात है, एकदम हो जाएंगे जप्ती, राइट सर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 35, जप्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में मेव गिंगित किया गया था, पोलस, परदी,
चाचर बंजर 35 का बिल्कुल आंसर जो है वो आपके पोलर्स, ठीक है, ये उतना इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 2021 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, बताइएगा आप लोग, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा री, अच्छा ये फरीद होगा, ठीक है। 36 का बिल्कुल आपको सही आंसर कमेंट करना दोस्तों, बिल्कुल 36 का वो है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो चैतन्य महाप्रभु थे, करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 37, बीजक में किसका उपदेश संग्रह है, बताइएगा बीजक में जो है किसका उपदेश मिलता है, बताइएगा कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का, रामानंद का, बिल्कुल 37 के दोस्तों यहां पर जो आंसर आपको जाएगा वो है आपके ऑप्शन ए कबीर का। तो बीजक में जो है कबीर का उपदेश संग्रहित है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका, मीरा, अंडाला, क्राइकल, इनमें से सभी, तो विष्णु को जो है अपना पति कौन मानती थी, बिल्कुल दोस्तों 38 के आंसर आपको जाएंगे वो है मीरा, राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुत लोग सभी लगा देता है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं, एकदम ऐसी आपको तैयारी रख देने, एकदम सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया था, जैन को, बौद्ध को, शैव को, वैष्णव को, क्या बात है, बिल्कुल 39 के आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं वो है वैष्णव को, ठीक है। तो पल्लव राजाओं ने वैष्णव मत को जो है अपना राजधर्म घोषित किया था। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 40, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था, अल-बिरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता या फिर टैबर्सियर ने, बिल्कुल 40 के दोस्तों यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो है बर्नियर ने। तो बर्नियर जो है वो कश्मीर को क्या बताया था दोस्तों, अतुलनीय बनाया था, फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांस से आया था। 40 के आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएंगे, अल-बिरूनी के बारे में पूछा जाता, क्या पूछा जाता, बिल्कुल किताबुल हिंदी के लेखक अल-बिरूनी है, ये अपने जमाने में बहुत बड़े ज्ञानी थे। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, इब्न बतूता जिसके ऊपर रेहला यात्रा वृत्तांत है, जिसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, रेहला। देखिए घुमकर शास्त्रक नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, बिल्कुल दोस्तों 41 के राइट सर आपको जाएंगे वो है राहुल सांकृति आयन, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, किस विदेशी यात्री को हीरो के खानों में रुचि थी, बताइएगा हीरो, हीरा, हीरा जो है ना डायमंड, बिल्कुल इब्न बतूता, टैबर्नियर, बर्नियर, अल-बिरूनी, 42 के जो राइट सर दोस्तों वो आपको जाएंगे टैबर्नियर, ठीक है। तो इसको जो है हीरो के खानों में क्या थी, रुचि थी, दिलचस्पी थी। देखिए कौन विदेशी यात्री जो कि पेशे से चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था, ये प्रश्न आपको पहले भी करवा चुके हैं, और ये वीवीआई प्रश्न आपका, बिल्कुल फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो पेशे से क्या था दोस्तों, एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था, कौन, फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांस का था। तो राइट सर आपके ऑप्शन पूछ जाएंगे, हो सकता है प्रश्न आपको इस बार पूछ दिया जाए, तो प्लीज आप लोग ध्यान से उस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, जिस बोधिवृक्ष, जो भी प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में खो जाते हैं, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, बस छोटा सा बात है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बहुत मजा की, बहुत मजा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका, जिस बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताइएगा उसे किसने नष्ट कर दिया था, बताइएगा आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल बहुत बढ़िया वो जाएंगे दोस्तों शशांक ने, ठीक है। तो बोधिवृक्ष, अच्छा आपको पूछा था कि गौतम बुद्ध को जो है शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, ठीक है, और पैदाइश लुम्बिनी में हुई थी, ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, जहां पर उसको वो बोधिवृक्ष पेड़ के नीचे जो है अपना ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी को नष्ट कौन किया था दोस्तों, शशांक ने, 44 के राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, धर्मचक्र जो परिवर्तन है वो क्या है, बिल्कुल आपके राइट सर दोस्तों वो है प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न 46, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था, गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी, फटाफट आप पहुंचा दीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों 46 के राइट सर आपको जाएंगे वो है निरंजना नदी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वो निरंजना नदी के किनारे मिला था, राइट सर 46 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है, बहुत कीमती टाइम है आप लोगों का भी, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, अभी हमने आपको बताया महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, ठीक है, और वर्धमान जो है वो महावीर के बचपन का नाम था, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए अगला प्रश्न आपका, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, एक प्रश्न पूछा था ना कि संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहा गया, पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया गया, तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति यानी सॉरी जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, ठीक है। तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन के कितने आश्रमों में बांटा गया है, बताइएगा, तो 48 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 48 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है 4 आश्रमों में बांटा गया है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को। देखिए अगला प्रश्न आपका, 2021 के अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, अर्जुन, भीम, नकुल, इनमें से सभी, क्वेश्चन बैंक आपको करवाए हैं, आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर देना, बिल्कुल 49 के आंसर आपको जाएंगे इनमें से सभी की, ठीक है। तो अर्जुन की भी, भीम की भी, नकुल की भी, द्रौपदी जो है वो पत्नी थी, तो राइट सर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 50, अभिमन्यु किसका पुत्र था, 2020 का बोर्ड वाला क्वेश्चन है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो अभिमन्यु जो है वो किसका पुत्र था, बिल्कुल 50 के दोस्तों यहां पर जो राइट सर हो जाएगा वो है अर्जुन का पुत्र था। देखिए अगला प्रश्न आपका, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, हम लोग कई बार पढ़ा चुके हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो दोस्तों 18 दिन तक चला था, तो राइट सर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, कई बार आपको पूछा भी गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था, देखिए 2014 में पूछा गया प्रश्न आपका, और बहुत ही आसान प्रश्न आपका, बिल्कुल 52 के दोस्तों यहां पर जो राइट सर हो जाएगा वो है आपके विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसको बोला जाता था, विक्रमादित्य भी बोला जाता था, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता था, तो दोनों चीज को नाम को याद रखना, ठीक है। तो चीनी यात्री जो कि फायान वो कहां का था, चीनी यात्री था दोस्तों, वो भारत जो आया था वो विक्रमादित्य, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त आदित्य द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उसी के शासनकाल में भारत आया था। देखिए अगला प्रश्न आपका, कभी कभी पूछा जाएगा आपको प्रश्न कि जो है इब्न बतूता वो कब भारत आया था दोस्तों, तो वह 14वीं शताब्दी में, कभी कभी पूछा जाएगा अल-बिरूनी भारत कब आया
आया था, उसको जो बंदी बना के लेके आया था मोहम्मद गजनवी, कब लेके आया था? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए हुमायूं का भाई कौन था बताइएगा बिल्कुल इनमें से सभी, यानी कि कामरान भी, अस्करी भी, हिंदाल भी, ये सभी जो है हुमायूं का भाई था। तो राइट सर आपके ऑप्शन हो जाएंगे, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? बिल्कुल गुलबदन बेगम ने। तुजू के बाबरी किसने लिखी? अभी हमने आपको बताया, चाहे आपको तुजू के बाबरी दे दे या फिर आपको क्या दे दे, बाबर नामा, दोनों नाम एक ही ध्यान रखेगा, कुछ अंतर है आपको अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि तुजू के बाबरी को ही बाबर नामा बोला जाता है। तो तुजू के बाबरी दोस्तों किसने लिखा था? बिल्कुल 54 के जो राइट सर जाएंगे दोस्तों वो है बाबर ने। मैंने अभी बताया एक आपका जागीरनामा और एक आपका बाबरनामा, जिसको हम लोग जागीर को क्या बोलते हैं, तुझी के जागरी, और बाबरनामा को बोलते हैं तुझी के बाबरी। ये दोनों के लेकर दोस्तों दोनों खुद है, यानी कि बाबरनामा का बाबर और जागीरनामा का जागीर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, मेगास्थली जिसके जो की इंडिका के रचनाकार है, तो बताइए किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चित्रगुप्त? बिल्कुल 55 के दोस्तों यहां पर जो राइट सर हो जाएगा वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थली जो है वो भारत आया था, उसके दरबार में आया था। देखिए अगला प्रश्न को समझ पे, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? बताइएगा सती प्रथा का उल्लेख जो है, यानी कि सती प्रथा के बारे में जो जिक्र है वो कौन सी किताब में मिलता है? बिल्कुल 56 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है एरन अभिलेख। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप लोग को, जैसे कि पता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है? बताइएगा बाणभट्ट की रचना जो कि कादंबरी है वहां पर किस शासन का, मतलब किस शासन काल का वर्णन है? 57 के दोस्तों बिल्कुल आंसर आपको जाएगा, क्या बात है एकदम हो जाएंगे दोस्तों, वो है हर्षवर्धन का शासन काल का मतलब वर्णन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता किस देश का साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो है व्यापारिक संबंध, जो बिजनेस संबंध है, वो चीन के साथ नहीं था, बाकी मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान ये सभी देशों के साथ था, लेकिन चीन के साथ नहीं था। सिंधु सभ्यता में जो मोहर थी दोस्तों वो किस चीज की बना हुआ था? बिल्कुल सीएल खरी की पूछा था प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में जो मोहर थी वो किस चीज की बनी हुई थी, वो है सीएल खरी की। ठीक है, चलिए सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति, महादेव या फिर गणेश? 59 का बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना, क्या बात है एकदम, पशुपति महादेव। ठीक है, तो राइट सर 59 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता जो है वो पशुपति महादेव थे। अब देखिए अगला प्रश्न समझ सृष्टि, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला का, मतलब कि मृतकों के टीला के रूप में जाता है? बिल्कुल हम जानते हैं मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है दोस्तों वो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, तो राइट सर क्या हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो वो है मृतकों का टीला। बहुत बढ़िया, देखिए अगला प्रश्न समझ सृष्टि, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? ठीक है, तो चाहे आपको सिंधु का बाग दे दे या फिर मृतकों का टीला दे दे, 61 का बिल्कुल आपको एक ही आंसर लगाना है, वो है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा विशाल स्नानगर का जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो पर मिलता था, मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यानी कि उसका मतलब होता है, और सिंधु बाग मतलब कि सिंधु यानी कि स्थल है सिंधु का बाग भी कहा जाता है। तो किसको? मोहनजोदड़ो को। राइट सर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? गणतंत्र जो अभी हम लोग बनाने वाले हैं बिल्कुल 1950 में, क्या बात है एकदम। 62 के राइट सर आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी एकदम गलत, आप लोग को किसी को नहीं करना। ठीक है, 26 जनवरी डेट भी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष जो है क्या बना? गणतंत्र बना। 2021 में देखिए कितना आसान प्रश्न आपको पूछा गया था, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? बिल्कुल 63 का दोस्तों आपको एकदम सही आंसर कमेंट करना है, क्या बात है एकदम 63 का एकदम बिल्कुल सही आंसर कमेंट करना। राइट सर क्या हो जाएगा? 582 को, कहीं कहीं भी आपको 581 दिया पड़ेगा जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने टोडरमल को जो है दीवाने अशरफ के रूप में जो नियुक्ति किया था, दीवाने अशरफ नियुक्ति जो किया था वो 582 ईस्वी में किया था। देखिए 2019 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बताया? औरंगजेब जिसको हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं वो जो है दक्षिण भारत में अपने जीवन का अंतिम भाग को बताया था। ठीक है, तो राइट सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कई बार ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न 65, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइएगा प्रथम, जी हाँ बाबर था। बाबर कब बना था दोस्तों? 1526 में, जो कि लड़ाई हुई थी पानीपत की प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो राइट सर आप यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएंगे ऑप्शन बी, बाबर ने शुरुआत किया था। देखिए कृष्णदेवराय की रचना कौन सी है? कृष्णदेवराय की रचना कौन सी है? 2021 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, बिल्कुल राइट आंसर आएगा दोस्तों वो है अमुक्त माल्यदा। ठीक, अमुक्त माल्यदा ये जो है कृष्णदेवराय की रचना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 67, गोपुरम का संबंध जो है किससे है? व्यापार से, गाय से, मंदिर से? ये भी प्रश्न देखिए 2012-15-19 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है बिल्कुल, आपके आंसर क्या हो जाएंगे? मंदिर से। ठीक है, तो गोपुरम का जो संबंध है दोस्तों वो मंदिर से है, 67 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, विजयनगर का महातम शासक कौन था? हम लोग जानते हैं विजयनगर का जो महातम शासक था, सबसे ग्रेट शासक, वो कौन था? कृष्णदेवराय, जो कि तुलु वंश से संबंध रखता था। पूछा जाता ना कि तुलु वंश से जो है कौन संबंध रखता था कृष्णदेवराय, या फिर कृष्णदेवराय किससे संबंध रखता था, कौन से वंश से? वो है तुलु वंश से। ठीक है, तो राइट सर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो है मार्तम शासक था। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? कई बार पूछा गया प्रश्न, बिल्कुल 69 का आपको एकदम सही आंसर लगाना है, क्या बात है एकदम, बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो 69 के राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 70, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? 2021 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, बिल्कुल 70 के दोस्तों राइट सर आपको जाएंगे वो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। मैंने अभी बताया लुम्बिनी कभी कभी देगा, कभी कभी कपिल वस्तु के लुम्बिनी में देगा, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और उसको जो शिक्षा की प्राप्ति वो कहां हुई थी? बोधगया में, एक वृक्ष के पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष मतलब तो पेड़ ही होता ना। देखिए महावीर ने पाशुनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जरा देखो दोस्तों, महावीर ने एक बच्ची जो है गलत कर दिया था, आप लोग को सही करना है, महावीर जो कि 24वें तीर्थ करते, पाशुनाथ जो कि 23वें तीर्थ करते। ठीक है, तो महावीर जो है पाशुनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, जो कि था ब्रह्मचर्य। ठीक है, प्रश्न आपको पूछा जाएगा महावीर जो है कितने तीर्थ करते, तो 24वें, और पाशुनाथ जो है वो 23वें तीर्थ करते। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? शिक्षक, जैन धर्म में
उसी को तीर्थकर बोला जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर एक किसी धर्म का है दोस्तों, वो है जैन धर्म का। ध्यान रखिएगा जैन धर्म की दो शाखाएं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। बाकी बौद्ध धर्म से मैंने आपको कई बार बताया है, सूत्रपीठक हो गया, त्रिपीठक हो गया, आपका महायान हो गया, हीनयान हो गया, ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका। जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहां भाग लिया था, बताइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके सुनेंगे, वो ढाका में, मुसेल से होगा, ठीक है, बिल्कुल 73 के आंसर आपके मुसेल से होगा, प्लीज आप लोग सही कर दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के जो कांग्रेस में दोस्तों कहां पर भाग लिया था, वो है मुसेल में। देखिए अगला प्रश्न 74, आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग वेबसाइट पर जरूर जाइए, एक बार कम से कम जाइए, रोज करो, जहां पर कुछ ना कुछ अपलोड हो रहा, ठीक है। होम साइंस जो है 5 सेट अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, तो 5 सेट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। उसी तरीके से हिस्ट्री का भी हो चुका है, बहुत सारा सब्जेक्ट का हो चुका है, जाकर जरूर आप लोग देखिए, ठीक है। वेबसाइट पर जाकर तरु क्लासेस नाम है, बस आपको गूगल पर सर्च करके देख लेना है, बहुत कम समय में आपकी अच्छी तैयारी वहां पर हो जाएगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बिल्कुल दोस्तों कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है भारतीय संविधान के अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया 2021 के अनुअल एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। राष्ट्रगान में अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, 2021 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, राष्ट्रगान किसे कहते हैं। जी हाँ, जनगण मन अधिनायक, जो गाने वाले जो गा चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रगान कौन सा, बिल्कुल दोस्तों हो जाएंगे जनगण मन अधिनायक। तो 75 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या बात है, एकदम बहुत गजब, 75 के आंसर ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न आपका, माई एक्सपेरिमेंट्स विश्व ट्रुथ, ये किताब जो है, ये आत्मकथा जो है दोस्तों किसकी है, आप लोगों ने इंग्लिश क्लास में भी पढ़ा होगा ना, इंग्लिश के क्लास में 100 मार्क्स से, बिल्कुल महात्मा गांधी। राइट आंसर 76 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, माय एक्सपेरिमेंट विश्व ट्रुथ जो है दोस्तों, ये जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए 2021 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, इंग्लिश में आप लोगों ने 100% पढ़ा होगा, जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट रखे होते हैं। देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताइएगा, बिल्कुल 77 के दोस्तों आपको जाएंगे, वो है दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक है वो दयानंद सरस्वती थे, और यही बिल्कुल 78 का फर्स्ट, बिल्कुल आप लोग दीजिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। 2020 का एग्जाम पूछा गया, कितना आसान प्रश्न आपका, हलवा प्रश्न आपका, ताजमहल का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। देखिए अगला प्रश्न आपका, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, शेरशाह के बारे में बात हो रही है, और अभी हमने आपको बताया था पहले, ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो है हुमायूं को, ठीक है, क्योंकि हुमायूं जो है वो हार गए थे शेरशाह से 1540 में। पूछा गया था कि कब, अच्छा इससे पहले तो प्रश्न आया था ना कि 1540 में किसने किसको हराया था, तो दोस्तों 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ये जो है द्वितीय मुगल शासक थे, पहला कौन था, बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा ये क्या नाम है उसका, अकबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, अकबर का जो शासनकाल वो कब से कब तक था, पूछा जाता है, मैं कई बार आपको बता चुका, 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1605 तक। देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, 80 का राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे, यहाँ पर 80 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको लगाना, क्या बात है, एकदम विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक है दोस्तों, वो विवेकानंद थे, तो ऑप्शन भी आपके 80 के बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 81, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा, सिंधु, व्यास, भोगवा, रवि, बताइएगा, लोथल, लोथल के बारे में पूछा जा रहा है, लोथल कहां पर, गुजरात में, लोथल 2019 के एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल 81 के राइट हो जाएंगे दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी, हरप्पा जो है हरप्पा शहर वो रावी नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 82, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को, 2014-19-21 में पूछा गया प्रश्न आपका। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो कौन था, बिल्कुल दोस्तों वो वास्को डी गामा था। कब आया था भारत, 1498 में, ध्यान रखिएगा, भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में भारत आया था। 2019 में आपको ये भी प्रश्न पूछा गया है, आज का ये वायरल प्रश्न है दोस्तों, प्लीज आज आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूं। चलिए देखिए छिमेंद्र की रचना कौन सी है, छिमेंद्र की रचना कौन सी है, अर्थशास्त्र का तो कौन, अर्थशास्त्र का बिल्कुल कौटिल्य है, लेकिन छिमेंद्र के बारे में बोलना है, 84 के बिल्कुल आंसर जाएंगे दोस्तों, वो है विहित कथा मंजरी, विहित कथा मंजरी जो मिला हुआ है, ठीक है। तो छिमेंद्र की जो रचना दोस्तों कौन सी है, विहित कथा मंजरी। इंडिका किसकी रचना, बिल्कुल मेगासेनेस की रचना है, इंडिका जो है वो मेगासेनेस की रचना है। तो आंसर 85 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न 86, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, 2019 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, 86 के बिल्कुल आंसर जाएंगे दोस्तों, वो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है निजामुद्दीन औलिया का। देखिए अगला प्रश्न आपका, रामानंद के शिष्य कौन थे, बिल्कुल रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना भी, पिपा भी थे, तो इनमें से सभी ये जो है, ये सभी जो है रामानंद के क्या थे, शिष्य थे। 2020 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न आपका, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, बताइएगा, 88 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर जाएंगे दोस्तों, वो है अजमेर में। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है दोस्तों, वो अजमेर में है, राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत बढ़िया, बार बार बोलते हैं आप लोग को भी बुरा लग जाता होगा ना, इसलिए लाइक कर दिया कीजिए शुरुआत में। देखिए हरिहर तथा बुक्का ने, हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर तथा बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था। अब आपको पूछा जा रहा है कब किया था, क्योंकि 2021 में यह प्रश्न आपको पूछा गया है, बिल्कुल 89 के आंसर होंगे दोस्तों, वो है 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, राइट आंसर आपके ऑप्शन ई हो जाएंगे। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, वेदों की संख्या टोटल 4 है, एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद, एक अथर्ववेद, ठीक है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ई हो जाएंगे, वेदों की जो संख्या है वो 4 है, राइट आंसर ऑप्शन ए। 2021 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, सबसे पुरानी वेद कौन से, बिल्कुल ऋग्वेद हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न आपका, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, बताइएगा, बिल्कुल 78 ईस्वी में। तो कनिष्क का जो राज्यारोहण है दोस्तों, वो 78 ईस्वी में हुआ था। 91 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 92, विजयनगर तथा बामणी किस प्राय
विजयनगर तथा भैमनी के बीच पराया किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? मधुरे, वारंगल, मालाबार, रायचूर, दुआब। बिल्कुल 92 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा क्या बात है, एकदम आपको जाएंगे वो है रायचूर दुआब। ठीक है, तो विजयनगर तथा भैमनी के बीच पराया जो है रायचूर दुआब क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। देखिए अगला प्रश्न 93, भारत आने से पहले बाबर जो है कहां का शासक था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न आपका, तो बताइए, ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया। भारत आने से पहले बाबर जो है वो कहां का शासक था दोस्तों? बिल्कुल आपके राइट होगा वो है फरगना का। ठीक है, तो 93 के राइट से बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएगी। आप लोग एकदम फटाफट आंसर देते चलिए, इतना बार आप लोग को ये प्रैक्टिस करवा चुके हैं, किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, मतलब कि कहां पर प्राप्त हुआ था? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। बिल्कुल 94 के दोस्तों राइट से आपको देंगे वो है कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अच्छा, महात्मा बुद्ध को, बिल्कुल बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है बताइएगा? बुद्ध का सारनाथ में दिया गया जो प्रवचन वो क्या कहलाता है? बिल्कुल दोस्तों वह धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 96, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की जो रचना वो कौन सी भाषा में हुई थी? किसने किया था महाभारत की रचना? वेद व्यास ने। पूछा जाता ना कि महाभारत की जो रचना वो किसने किया था? वेद व्यास ने दोस्तों। वो कौन सी भाषा में हुई थी? बिल्कुल संस्कृत भाषा में। तो 96 की आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। हम लोगों ने बहुत कम मिनटों में बहुत सारे प्रश्नों को बताया, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, वो है 18। ठीक है, तो पुराणों की जो संख्या है दोस्तों वो 18 है। पूछा गया प्रश्न आपका, राइट सर आपके 18 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कितना बार पूछा है, कितना बार। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न 98, सांची की स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप पूछ दे, या फिर आपको सूत्र पीठक पूछ दे, या फिर आपको हीनयान महायान। ठीक है, तो ये सभी का जो संबंध है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से है। राइट सर 98 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, सांची का स्तूप कुछ भी पूछ दे, बौद्ध धर्म से। बाकी एक आपका हो गया श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों जो है जैन धर्म से, जो कि मैं भी हमने आपको बताया। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वो भी बताया, वर्धमान। ठीक है, तो महावीर का जो बचपन का नाम है वो वर्धमान था। वहीं पे अगर महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम बोले तो वो है सिद्धार्थ। तो यहाँ पर राइट सर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 100, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। राइट सर, हिस्ट्री में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, वहां पर जो आपको गूगल पे तनु क्लासेस सर्च करना है। स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तनु क्लासेस सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर में आपको इंटरफेस दिखेगा उसी पे दोस्तों क्लिक करना। वैसे तो आप में से बहुत सारे छात्रों को इस बात का पता भी है, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोग वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का आंसर की वगैरह चाहिए तो उसको जो है आप यहाँ पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो टोटल आपको जो है हिस्ट्री का बिहार बोर्ड के द्वारा 10 सेट जारी किया गया हिस्ट्री का, उसको कैसे देखना है, और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा, उसको कैसे देख सकते हैं, उसी को दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिंपली आपको देखिए वीवीआई मॉडल से यहां पर दिख रहा है, यहां पर आपको आर्ट्स दिख रहा है दोस्तों, इसी पे जो है आपको आर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, बस आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहां पर देखिए आर्ट्स के सभी सब विषय का 10-10 सेट मॉडल पेपर। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपको नीचे आना, ये जितने भी आपको ऐड दिख रहा है इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं वैसे इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, हमको बेनिफिट है, आप लोग को भी बेनिफिट होगा, टोटल पेज जो है आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको हिस्ट्री दिख रहा है, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा सॉरी मैं ज्योग्राफी पे क्लिक कर दिया, आपको हिस्ट्री पे क्लिक करना। 1 सेकंड, चलिए यहां पर देखिए हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। जैसे दोस्तों आप हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा, यहां पर देखिए आपको सभी चैप्टर का जो है 5 मॉडल सेट अभी अपलोड है और 5 सेट अभी जो है बाकी है, वो भी बस कुछ ही देर के अंदर अपलोड हो जाएगा। आप जब तक आइएगा तब तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आइएगा अब आपको थोड़ा सा दोस्तों ऊपर जाना है, थोड़ा सा बैक आने के बाद आपको सबसे ऊपर जाना है और चैप्टर बाय चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको देखना है। वो कैसे देखना है, तो देखिए हिस्ट्री आपको दिख रहा है, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहां पर आप दोस्तों हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा, बस आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आते ही दोस्तों यहां पर जितने भी आपको ऐड दिख रहा है, प्रचार दिख रहा है, उसको प्लीज क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर दीजिएगा। बस दोस्तों आपको सिंपली नीचे आ जाना, और कोई भी चैप्टर में अगर आपको डाउट हो, जैसे कि मान लेते हैं चैप्टर 7 जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विजयनगर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे दोस्तों आपको क्लिक की, इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपको टोटल सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक बार जरूर जाइए वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च कीजिए तनु क्लासेस, और अच्छे से तैयारी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी।